हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत माना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास और एक पार्सल आया है जिसमें कौन सा फ़ोन होगा, शायद सैमसंग A50 या A30 कुछ फ़ोन है जो हैंग लोगों पे रुका हुआ है, काफ़ी जगह पे दिखाए थे तो ये फ़ोन जो है प्रॉपर से सॉल्व नहीं हुआ है। इसके लिए पार्सल आया है और ये जो पार्सल आया है केरला से आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं कि फ़ोन का कंडीशन कैसा है, किस हाल में है। तो कैंचे से तो नहीं खुलेगा, हम लोग ब्लेड से खोलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को भी आपका कोई सा भी अगर फ़ोन होगा जो रेडी नहीं हो रहा होगा तो आप लोग भी पार्सल कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सअप में कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे से। तो देखते हैं अभी इसका क्या हाल है होता है। काफ़ी अच्छे से मस्त पैकिंग करके दिया है, पैकिंग अच्छा रहने से मोबाइल डैमेज नहीं होता, यही अच्छी एक अच्छी बात है। कौन सा बॉक्स है ये, इसको रख देते हैं क्योंकि फिर उनको वापस करने का टाइम ये काम में आएगा, तो इसको साइड में रख देते हैं। उनका एड्रेस जो लिखा हुआ है, मोबाइल अंदर में हिल रहा है, अच्छा से पैकिंग नहीं किया होगा उन्होंने। दोस्तों आप लोग भी अगर कहीं पैकिंग करें थोड़ा अच्छे से पैकिंग कीजिए, जैसे हिला के देखिए, मोबाइल हिलना नहीं चाहिए अंदर में। उन्होंने पूरा बॉक्स पैक करके काफ़ी अच्छे से ही दिया है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा कोरियर चार्ज लगेगा। इतना ज़रूरत नहीं था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी अंदर में क्या है। जोलो का बॉक्स दिख रहा है, जोलो का बॉक्स है और हम इसको ओपन करते हैं। कहाँ से ओके, वाह पैकिंग एकदम जबरदस्त है। यहाँ पे थोड़ा कुछ और कुछ देने से अच्छा होता था। तो फोन एकदम सही कंडीशन में है। ये आके आपके सैमसंग M30 है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था कस्टमर का कि ये लोगों पे आके अटक जाता था, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये लोगों पे आके अटक रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे पावर बटन दबाता हूँ, तो सर फिलहाल तो ऑन नहीं हो रहा है, शायद चार्ज नहीं होगा। एक बार चार्ज लगा के चेक कर लेता हूँ, शायद डिस्चार्ज हो गया होगा बैटरी। दोस्तों सेफ रहें, अच्छे से रहें, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। उम्मीद रहेगा कि आप लोग अच्छे से रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हमेशा यूज़ करते रहें। फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, शायद ज़्यादा ही डेड होगा ना क्या होगा पता नहीं। एक बार हम इसको खोल ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं कि मदरबोर्ड का कंडीशन कैसा। दोस्तों एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन के लिए है ये वीडियो, कि अगर आप लोग भी अगर पार्सल करना चाहे तो अभी कर सकते हैं, काफ़ी मोबाइल्स आ रहे हैं। और अगर इसका कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ बड़ा इशू अगर इसमें रहेगा, तो इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे और हमारे चैनल पर ज़रूर इसको छोड़ेंगे। काफ़ी एम्बुलेंस जा रहा है, क्या बात है। भाई जिस बंदे ने भी बनाया है ये, अच्छी बात नहीं है कि आपने स्क्रू अच्छे से नहीं लगाया, स्क्रू से भी बेंड बेंड करके रखा है आपने। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो आप जिस कंडीशन में फ़ोन लेते हैं उस कंडीशन में दे दिया करें, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मेरा फ़ोन अच्छा है, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ऐसा फिटिंग की वजह से काफ़ी लोगों का नाम ख़राब हो जाता है जो ऐसे काम कर लेते हैं। देख सकते हैं, वाह खतरनाक, पूरा हीट मार के छोड़ दिया है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हीट उन्होंने मारा है, ऊपर से जो है पेस्ट भी उन्होंने क्लीन करके नहीं दिया है। पेस्टिंग अगर कोई दूसरा मैकेनिक के पास अगर ऐसा फ़ोन जाएगा
तो इसको देख के ही ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस करने लगेगा ऐसे कंडीशन में, और वो मैकेनिक भी जो रहेगा ना अच्छे से उसके ऊपर काम करने नहीं जाए, क्योंकि भाई किसी दूसरे ने हाथ लगा दिया है तो इसमें क्या अच्छे से देखेंगे, बने तो बने नहीं बने तो नहीं बना। तो आप कोई भी अगर हो, अगर आप कस्टमर को मोबाइल रिटर्न करते हैं तो आप नीट एंड क्लीन से उनको रिटर्न दें, जिससे कस्टमर को तकलीफ़ ना हो या अगर और उनका कंप्लेंट ना आए कि भैया आपने ऐसे करके दिया है, और देखते हैं बैक साइड में उन्होंने कुछ किया है कि नहीं। ये वीडियो शायद मैंने एक बनाया था M30 के ऊपर, जो हैंग लोगो था कि CPU पे हीट मारना, काफ़ी लोग वही देख के हीट मार के वैसे कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करो भाई, हीट मार के देखो, हीटिंग से काम नहीं बनता है। अगर कस्टमर एक दो दिन के बाद में अगर रिटर्न आता है तो आप उसको रिबॉलिंग कर दो, रिबॉलिंग में प्रॉब्लम जो है एकदम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने पीछे में कुछ छेड़खानी नहीं किया, इसी के ऊपर ही काम किया है और इसके ऊपर सिर्फ हीट मार के छोड़ दिया गया है। तो यह मोबाइल बन जाएगा, अगर उम्मीद करता हूँ अगर इसका वीडियो मैं बना पाऊँ तो बना दूंगा, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका भी कोई मोबाइल है, काफ़ी जगह आपने ट्राई कर लिया, अगर नहीं बन रहा तो लास्ट टाइम एक बार हमारे पास ट्राई करवा लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल वेस्ट पड़ा है, फेंकने वाले हैं, तो एक 200-300 रुपये खर्चा करके हमारे पास भिजवा दीजिए, एक बार हम भी कोशिश करके देखते हैं कि वो बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। इच्छा आपके ऊपर है, आप चाहे तो भेज भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा मदरबोर्ड का कंडीशन अच्छा रहेगा तो बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो पे, हम इसका बैटरी टेम्परेचर सभी चेक करेंगे, चेक करने के बाद में देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता, अगर अगर ये कुछ बढ़ा ही कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।